अस्सलाम वालेकुम। एडोबी फोटोशॉप 2023 न्यू अपडेट्स जो एडोबी ने निकाली हैं अक्टूबर 2022 के अंदर रिलीज़ हुई हैं, वो जो है मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। एडोबी 2022 में जो फंक्शन थे थोड़ा सा इन्होंने अपडेट किए हैं। तो क्या क्या अपडेट किया मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर आना है। हमारे पास किसी भी तस्वीर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसको आपने, लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि ये जो है ये पेन और ये जो पैड पड़ा है ये जो यहाँ से हम गायब करना चाहते हैं। ये थोड़ा टाइम लगेगा सिलेक्शन करने में, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन के ऊपर। जैसे ये सिलेक्शन करता है, इसका सिलेक्शन हम देखते हैं कैसे सिलेक्शन ये परफॉर्म करता है। तो ये देखें यहाँ से इसने जो है सिलेक्शन इतनी परफॉर्म कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं किसी भी चीज़ के ऊपर लेके जाऊँगा तो ये हाईलाइट कर रहा है। आप देख सकते हैं जैसे मोबाइल को हाईलाइट कर रहा है, इसको हाईलाइट कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स को ये हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ से ना आप इस सेटिंग में जाके इसका हाईलाइट का जो कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैजेंटा है, हम यहाँ पे येलो कर दें अगर, ठीक है, तो येलो हो जाएगा हमारे पास। और इसका जो आउटलाइन है उसकी अगर आपने ओपेसिटी बढ़ानी है वो 100% है, और इसका जो है वो आउटलाइन बढ़ानी है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं इसकी आउटलाइन भी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो शो ओवरले, ऑलवेज शो ओवरले, नेवर शो ओवरले। यहाँ से अगर आप ऑलवेज शो ओवरले करेंगे तो वो हमेशा क्या करेगा, शो करेगा जो है। ठीक है, आपने ऑटो शो करना है सर। यहाँ पे हम इसके ऊपर लेके जाएँ तो तभी ये क्या करें, ओवरले करें। अब ये यहाँ से इसने ये डिटेक्ट किया है ये हमारे पास न्यू जो है वो ऑब्जेक्ट पड़ा है। हम क्या करते हैं इसको फ़िलहाल के लिए इसका कलर जो है वो मैजेंटा वापस करते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी ये वो लग रहा है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। इसकी सिलेक्शन करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन हो चुकी है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो है गायब हो जाए। आपने क्या करना है, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस। अब यहाँ पे ये एंटर करेंगे तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और सराउंडिंग से उठा के इसको यहाँ से गायब कर देगा। अच्छा, अभी देखा होगा आपने गायब होने के बाद जो है थोड़ा सा हमें जो है ये नॉर्मल नहीं लग रहा। हम इसको क्या करते हैं, क्रोन स्टैम टूल लेते हैं। यहाँ पे इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने इसको सेट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगी जैसे आपको मुनासिब लगे यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यूँ जो है हम फोटोशॉप 2023 में ऑब्जेक्ट्स को सिंगल क्लिक के ऊपर गायब कर सकते हैं। ठीक है, एक और अपडेट अगली मैं आपको बताता हूँ, सेकेंड अपडेट क्या है। मैं एक तस्वीर यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब ये मैं दूसरी जो है वो पिक्चर यहाँ पे ले आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसको क्या बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। आपने प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सिंगल क्लिक के ऊपर आप करें बैकग्राउंड जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये 2022 में भी है वैसे, लेकिन मैं आपको जो दिखाने चला हूँ वो ये है हमारे पास। इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं हम यहाँ पे तस्वीर को। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसने मास्क भी बना दिया इसका। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने विंडोज़ में आ जाना। विंडोज़ में आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है मटेरियल्स के ऊपर। मटेरियल्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यूँ के कुछ जो है वो 3D मटेरियल शो होना शुरू हो जाएंगे। अडोबी सबस्टेंस मटेरियल, आप यहाँ पे किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो वैसा जो है सेम इसका एक ये लेयर बना देगा उसके ऊपर। ठीक है, और ये देखें इसको हम नीचे ले आते हैं बैकग्राउंड के तौर पर, तो ये देखें हमारे पास जो है वो इसने यूँ का बना दिया। हम चाहते हैं कि ये वाला बने, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ी सी अगर आप चेंजिंग करनी है तो आपने यहाँ पे आ गया रिपीट यूनिफॉर्मली, इसको क्लिक करेंगे, और अगर आप इसको इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे आप चेंज जो है वो देख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये लोड होने में। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये यूनिफॉर्मली रिपीट इसने अपने आप कर दिया, यानी जो बैकग्राउंड था इतना था अगर, तो यूनिफॉर्मली का मतलब है सेम जो है वैसा ही इसने क्या कर दिया, इसको रिपीट कर दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाते रहेंगे ये और रिपीट इसको करता रहेगा। लेट्स सपोज मैं 6.14 पे लेकर आया हूँ, तो यहाँ पे देखें ये और रिपीट करने के बाद देखें इसने और अपने आप को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। तो जहाँ पे आपको अच्छा लगे, मुनासिब लगे, आप वहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, और थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें है क्या क्या। और ये लें, ये ब्रिक्स वाला बैकग्राउंड है। अगर मैं वैसे तो आप नॉर्मली कोई भी बैकग्राउंड जो है यूज़ कर सकते हैं, ये लें ब्रिक्स आ गए। ठीक है, अब इसको अगर मैं रिपीट यूनिफॉर्मली करूं और मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूं, तो ये ब्रिक्स जो है वो साइज़ में छोटी हो जाएंगी और अपने आप को रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूँ, ठीक है, मटेरियल का ये जो हमारे पास क्या हो गया, डिज़ाइन बन चुका है। तो ये कुछ न्यू अपडेट्स हैं फोटोशॉप के अंदर, आप जो है वो इसको चेकआउट कर सकते हैं। इससे सिंपल यानी ये AI बेस्ड जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर काम करता है, यानी सराउंडिंग से चीज़ें उठा के वहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपने वो डिलीट करना है वो कर सकते हैं आप। ठीक है, लेट्स सपोज मैं एक और बिल्डिंग लेकर आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फोटोशॉप 2022 में आपने देखा होगा कि आप जो है वो, लेट्स सपोज अगर मैं पेन टूल से इसकी सिलेक्शन करूँ यहाँ पे, ठीक है, रफली सिलेक्शन मैं कर लेता हूँ और ठीक है। अब पेन टूल से आप सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही शिफ्ट और बैक स्पेस दबाएंगे ना यहाँ पे, तो हमारे पास फिल आ जाएगा और यहाँ से आपने कंटेंट अपेयर करेंगे के बाद ओके करना है, तो यहाँ से क्या करेगा ये फिल करेगा और इसको क्या कर देगा, गायब कर देगा। ठीक है, यहाँ से आपने सेटिंग कर लेनी है इसकी, आपने जो है वो क्लाउड्स को इसके साथ मैच कर लेना। ये 2022 के अंदर और यही 2023 के अंदर जो है ये, यानी ये अपडेट तो नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि आप यूँ भी ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, 2023 में बस उन्होंने और अपडेट कर दिया कि जैसे मैं क्या करता हूँ, ये तो हमने कर लिया ना पुराने तरीके के मुताबिक, अब मैं आपको नए तरीके के मुताबिक इसकी रिमूव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया इसको, ठीक है, इतना ऐसा हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे कितना ये इसको सेलेक्ट करता है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोड होने में। यानी इसने ये हिस्सा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो कुछ हिस्सा ये भी इसने ऐड कर लिया, खैर हमें ये चाहिए कोई नहीं। अब हम क्या करते हैं, पहले हमने पेन टूल से सेलेक्ट किया था, शिफ्ट और बैक स्पेस दबाया था, तो क्या किया था इसने बिल्डिंग को अब कंटेंट अपेयर टूल से इसने सेलेक्ट करके उड़ा दिया था, यानी कि डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हम इस सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करने के बाद इसको शिफ्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो ये क्या करेगा, काम वही करेगा तकरीबन। ठीक है, लेकिन ये ले जी, अब यहाँ से देखें इसने क्या किया, जो हमने पहले डिलीट किया था उसमें यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहे थे, ये जो है यहाँ से हिस्सा जो है हमें थोड़ा सा बुरा लग रहा था, लेकिन इसने क्या किया, इसने आप देख सकते हैं कि आसपास के सराउंडिंग से इसने दरख्तों को उठाया, दरख्तों को उठा के यहाँ पे इसने फिलअप कर दिया। ठीक है, तो यूँ आपको जहाँ पे सेटिंग लगती है सही, आप वहाँ से जो है वो क्लोन स्टैम्प टूल से इसकी क्लोनिंग वगैरह कर सकते हैं सराउंडिंग से एग्जाम्पल लेके। तो सिंपल ये तरीका बताने का ये था कि इसने 2023 के अंदर फोटोशॉप ने सिंपल क्या कर दिया है, ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने के लिए न्यू अपडेट जो है वो लिया है, और मटेरियल का बैकग्राउंड आप बना सकते हैं जैसा मर्जी, अपने मर्जी का आप बैकग्राउंड वगैरह पैटर्न वगैरह बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, पहले भी कर सकते थे लोग, लेकिन यह है कि इसने और भी अपडेट कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये अपडेट्स अच्छी लगी होंगी फोटोशॉप की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।